हे गाइज, मेरा नाम है वैष्णव, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कलर ग्रेडिंग के बारे में, जो हम करने वाले एक फोटोशॉप का बेसिक टूल यूज़ करके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम आपके पास फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो, CS6 हो या फिर CC2021 हो, तो किसी में भी आप ये कलर ग्रेडिंग की पूरी टेक्निक आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये सब बेसिक टूल से बना है। पहले मैंने फोटोशॉप को ओपन करना है, तो सबसे पहले मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है और आपके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड की जो मैंने स्टॉक फुटेज से लिए unsplash.com से। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रास का ये जो लाइंस दिख रहा है, मैं वो पहले डिलीट कर देता हूँ, व्यूज़ में जाऊँगा और ये एक्स्ट्रास जो है इसे मैं ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारे बैकग्राउंड लेयर है उसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे Ctrl+J। ठीक है, तो हम जो कलर ग्रेडिंग करने वाले उसके लिए हम आज का टूल यूज़ करने वाले हैं, वो है ग्रेडियंट मैप, जो हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जो मिडल वाला ऑप्शन है ये वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट मैप दिख रहा है आपको, जैसे आप ग्रेडियंट मैप पर क्लिक करोगे आपके सामने ग्रेडियंट मैप की क्लियर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ अलग सा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे फिक्स करेंगे, इसकी ग्रेडियंट मैप की जो लेयर है इसकी हम पहले सेटिंग्स करेंगे। वो कैसे करेंगे, जिसका जो लेयर है उसका, उस लेयर का जो मोड है वो हम नॉर्मल से करेंगे सॉफ्ट लाइट। ओके, वो सॉफ्ट लाइट से आप ओवरले भी कर सकते हो, पर ओवरले मत करना, सॉफ्ट लाइट करना। ठीक है, तो जैसे हमने सॉफ्ट लाइट किया आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा बिफोर आफ्टर, पर हमें इसमें और मॉडिफिकेशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट मैप का जो अलग से पैनल दिख रहा है, इसमें जो ये स्केल है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्रेडियंट मैप का एक पूरा एक टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओवर ऊपर प्रीसेट्स दिए गए, जो आप अगर चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप फोटोशॉप का ओल्ड वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको इतने प्रीसेट्स नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, तो हम प्रीसेट बनाने वाले अपने अलग से। तो सबसे पहले हम ये जो स्केल है वो स्केल पहले जानेंगे, स्केल क्या है। तो स्केल के ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन इस इमेज का डार्क पार्ट शो कर रहा है और ये राइट वाला जो पोर्शन है वो इमेज का व्हाइट पार्ट शो कर रहा है। और नीचे जो दिया गया है ये सब कलर्स है जो हम उसमें फिल कर सकते हैं, व्हाइट पार्ट में और डार्क पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट पार्ट में ऑलरेडी एक डार्क कलर है और डार्क जो पार्ट है उसमें व्हाइट कलर है, तो सबसे मैंने इसे इंटरचेंज करना है। ठीक है, मैं व्हाइट वाला जो कलर है वो व्हाइट को और डार्क वाला कलर है वो डार्क को करूँगा। सी, आपको दिख रहा होगा आपका जो आपकी जो इमेज है पूरी वो ऑलरेडी एक कलर ग्रेड में आ चुकी है। अगर आपको लगता है आपको एक कलर ग्रेड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। हम बिफोर आफ्टर देख लेते हैं, सबसे पहले बिफोर आफ्टर लुक कितना सिनेमैटिक लुक आ रहा है इसे। तो अगर आपको लगता है कि इसका जो ग्रेड है आपको चेंज करना है तो यहाँ पे फिर से हम इस स्केल पे क्लिक करेंगे और आपको जो लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये जो स्किन टोन है हमें चेंज करना है, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है आपको उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए आप जैसे जैसे ये ह्यू का जो पैनल है आप जैसे जैसे चेंज करते हो आपका रियल टाइम व्यू आपको यहाँ पे इमेज पे दिख रहा होगा। ठीक है, आपके हिसाब से आप कलर्स कौन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें भी और एक टॉपिक होता है जिसमें हम पर्टिकुलर एरिया में कलर्स भर सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये लुक ओके लग रहा है इसे। ठीक है, और यहाँ पे जो डार्क पार्ट है इसमें भी आप कलर्स ऐड कर सकते हो, जैसे मुझे इसमें थोड़ा सा रेडिश चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से आप कौन सा भी शेड सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा रेडिश ब्राउनिश। ओके ओके ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके करना है। अगर आपको ये वाला जो ग्रेड है ये एज अ प्रीसेट सेव करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ न्यू पर क्लिक करोगे और ये अपने आप आपके प्रीसेट में सेव हो जाएगा। ओके ठीक है, सिर्फ आपको ओके करना है यहाँ पे और बिफोर आफ्टर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला ग्रेड ज़रा ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, आपके हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए वैसे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको
और वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वैसे, ठीक है। तो इस कलर ग्रेडिंग टॉपिक का एक अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। तो अब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं आपको ऐसे कलर ग्रेडिंग के टिप्स बताते रहूँगा। तो चलिए, बाय बाय।